दो सोल्जर को नॉर्थ अफ्रीका के खतरनाक रेगिस्तान में भेजा गया किसी टेररिस्ट ग्रुप के लीडर को मारने के लिए। दोनों सोल्जर रेगिस्तान के बीच पहुंचे जहां उनका दुश्मन दोनों की आंखों के सामने था, पर ये उसे मार पाते दोनों खुद फंस गए बहुत बड़ी मुसीबत में। स्टोरी की शुरुआत हुई दो अमेरिकी सोल्जर से जो नॉर्थ अफ्रीका में भेजे गए हैं, जिनमें से पहले का नाम था माइक, दूसरे का टॉमी। दोनों साफ शूटर थे। ये दोनों लोग सूखे बंजर रेगिस्तान में घात लगाकर किसी चट्टान के ऊपर बैठे हुए थे। इन्हें बस इंतजार था उस आतंकवादी के आने का जिसे ये मारने वाले थे। अमेरिकी एयरफोर्स काफी समय से उनकी तलाश कर रही थी। अब जाकर उन्हें पता चला उनके बारे में। दोनों लोग उनके आने का इंतजार कर ही रहे थे, तभी उनकी नजर पड़ी बहुत सारे लोगों पर जो आ रहे थे वहीं पर। दरअसल इस इलाके में किसी की शादी हुई थी। शादी के किसी रस्म को पूरा करने के लिए लोग वहीं पर आ रहे थे जहां उन लोगों की मुलाकात होने वाली थी उस आतंकवादी से। उसके आते ही दोनों सोल्जर उस पर निशाना साधने लगे, लेकिन बीच में वह कपल आ जा रहा था। इसी दौरान गन में लगे ग्लास से रोशनी का रिफ्लेक्शन हुआ जिसे उनमें से एक आतंकवादी का मेंबर देख लिया, जिस कारण उन्हें एहसास हुआ यहाँ कोई और है। उन्होंने जैसे दोनों सोल्जर को देखा दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। इसी दौरान आतंकवादी वहाँ से भाग गया, लेकिन उन आतंकवादियों के लोग दोनों सिपाहियों का पीछा करने लगे। उनसे बचने के लिए दोनों सिपाही एक चट्टान के बगल में छुप गए। उन दोनों को पता है ये ज्यादा समय तक उनसे नहीं बच सकते, पर उनकी किस्मत अच्छी थी। उन्होंने देखा सामने एक रेतीला तूफान आ रहा है जो बढ़ रहा था उन्हीं की तरफ। तूफान को अपनी तरफ आता देख टेररिस्ट वहां से चले गए, लेकिन वे दोनों लोग तूफान के बीच फंस चुके थे। इस दौरान दोनों लोग अमेरिकी एयरफोर्स से मदद मांगे, पर तूफान के बीच उन्हें मदद नहीं मिल सकती थी। इसके लिए उन्हें पास के गाँव तक जाना होगा, लेकिन गाँव यहाँ से काफी दूरी पर था। तूफान के थमने के बाद ये गाँव की तरफ जाना शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद ये एक ऐसी एरिया में पहुंचे जहाँ पर डेंजर का साइन बना हुआ था। वहाँ जाना मना था क्योंकि यहाँ काफी समय से युद्ध का माहौल बना हुआ था, जिस कारण रेत के नीचे माइंस बिछाए गए हैं। इसलिए माइक आगे जाने से मना कर रहा था, लेकिन टॉमी का कहना था गांव ज्यादा दूर नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। वह खुद आगे जाने लगा। इसी दौरान सच में उसका पैर माइन पर पड़ गया, जिससे टॉमी अपना दोनों पैर खो देता है। माइक उसकी मदद करने के लिए जैसे अपना पैर आगे बढ़ाया उसे क्लिक की आवाज सुनाई पड़ी, यानी उसके नीचे भी कोई माइंस था। अगर वह पैर उठाया तो उसके साथ भी वैसा ही होगा जो उसके दोस्त के साथ हुआ था। इसके बावजूद वो अपने साथी का मदद करना चाहता था। उसका साथी दर्द को कम करने के लिए पेन किलर का इंजेक्शन लेता है। रेडियो पर कॉल करके मदद मांगने की कोशिश करने लगा, लेकिन ठीक से संपर्क हुआ ही नहीं। माइक को अपने दोस्त की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वह कहने लगा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यह माइन पुराना है ये नहीं फटेगा। लेकिन टॉमी उसे आगे बढ़ने से मना करने लगा क्योंकि वह नहीं चाहता था जो उसके साथ हुआ उसके दोस्त के साथ भी हो, इसलिए वो अपने आप को खत्म कर दिया। इस तरह माइक इस बीघे इलाके में फंस चुका था। वह आगे क्या करे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह सबसे पहले अपने आप को शांत किया तथा कुल्हाड़ी की मदद से रेडियो के बैग को अपने पास लाने की कोशिश करने लगा। स्टार्टिंग में ऐसा करने में कामयाब तो नहीं हुआ, मगर बार बार कोशिश करने से बैग उसे मिल गया। लेकिन जब रेडियो ऑन किया तो पता चला बैटरी खत्म हो चुकी है। दूसरी बैटरी टॉमी के पास था जो उससे दूर है। इसके बावजूद वह रेडियो की बैटरी को सूर्य की रोशनी से चार्ज कर लिया। चार्ज होने के बाद दोबारा से अपने टीम से कांटेक्ट किया, सारी बातें बताया। उनका साथी मर गया है, उसे मदद चाहिए। लेकिन उसे बताया गया वहाँ पर बड़े बड़े रेतीले तूफान चल रहे हैं, वे इस वक्त उन तक मदद नहीं पहुँचा सकते थे। वे अपनी एक टीम भेजने को तैयार तो थे, मगर उन तक पहुँचने में 50 से ज्यादा घंटे लगेंगे। इस तरह यहाँ करीब 52 घंटे इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था माइक के पास। अपने साथी के खोने के बाद माइक पूरी तरह से हार मान चुका था। वह एक समस्याओं का सामना कर ही रहा था, तभी उसका सामना हुआ दूसरे चीज से। उसने देखा उससे कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा रेगिस्तानी तूफान बढ़ रहा है उसकी तरफ। यह तूफान इतना बड़ा था कि बड़े से बड़े छप्पर को भी उड़ा सकता था। लेकिन वो अपने गन की मदद से जमीन में अपना पकड़ बना लिया। रेत तथा धूल से बचने के लिए अपना चेहरा, आंख, नाक सब कुछ अच्छी तरह से ढक लिया था, इसलिए तूफान के जाने के बाद उसे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। तूफान के जाने के बाद उसने देखा उसके दोस्त की डेड बॉडी उड़कर पहुंच गई है उसके पास। वह उसके बैग से रेडियो को तुरंत बाहर निकाला, पर इस दौरान उसके बैग में जो रेडियो रखा हुआ था वह उड़कर उससे दूर जा चुका था। बैटरी मिलने के बावजूद वह दोबारा अपनी टीम से कांटेक्ट नहीं कर सकता था। उसके पास बचा हुआ पानी भी खत्म हो चुका था। उसे पूरे 52 घंटे एक ही जगह बिना हिले डुले बैठे रहना है। जब उसके सब्र का बांध टूटने लगा तो आसमान में कई सारी गोलियां फायर की। हेल्प के लिए जोर जोर से आवाजें लगाया, मगर वहां दूर दूर तक परिंदों का भी नामो निशान नहीं था। ये देखकर वह खुद की जान लेने के बारे में सोचने लगा, पर वह ऐसा कर पाता उसे एक आदमी दिखाई पड़ा जो स्टार्टिंग में हमें डेंजर साइन के पास से दिखा था। दरअसल वह पास के गांव के रहने वाला था। माइक उसे अपनी सारी बातें बताए। ये जानते हुए भी वो आदमी कहने लगा तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वह उसे समझाने की कोशिश किया अगर उसने अपना पैर आगे बढ़ाया
तो वह अभी माइक की तरह जिंदा नहीं बचेगा। यह सुनकर वह आदमी उसके पास आने लगा, पर वह सीधा नहीं बल्कि गोल गोल घूमकर आ रहा था उसकी तरफ, क्योंकि उस बंदे को भी पता था यहाँ के रेत के नीचे माइंस बिछी हुई हैं। माइक ने उसे पानी लाने के लिए अपनी बोतल दी, इसी के साथ दूर पड़ा हुआ अपना बैग भी मांगा जिसमें उसका रेडियो था, लेकिन वो आदमी उसकी एक नहीं सुना। यह कहकर वहाँ से चला गया कि आगे बढ़ो। उसके जाने के कई घंटे तक माइक उसी जगह पर पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उसे दोबारा से उसी शख्स की तरह एक दूसरी लड़की उसकी तरफ आती हुई दिखाई पड़ी। वह भी सीधे सीधे नहीं आ रही थी बल्कि गोल गोल घूमकर आ रही थी। उसके पास पहुंचकर उसे पीने के लिए पानी दी, इसी के साथ एक सोल्जर का खिलौना निकालकर दिखाने लगी। सेम इसी तरह का टॉय माइक के भी पास था जो उसे उस रेगिस्तान में मिला था, जिसे वह उस लड़की को दे देता है। उसके बाद उस लड़की से रेडियो बैग मांगने लगा, लेकिन वह लड़की भी उस आदमी की तरह नहीं देती, क्योंकि कुछ समय पहले जो शख्स वहाँ आया था वह थी उसी की बेटी। उस आदमी की तरह वह लड़की भी वहाँ से चली गई। इस तरह वह पूरा दिन उसी रेगिस्तान के बीच फंसा रहा। कुछ ही घंटों में शाम हो गई। शाम के वक्त माइक अपनी फैमिली को याद करते हुए अपने बीते हुए पलों को याद करने लगा। रात को जानवरों से बचने के लिए उसने आग जलाई, क्योंकि वहाँ आसपास बहुत सारे खतरनाक जानवर मौजूद थे। जब तक आग जलती रही उसे किसी भी जानवर के होने का आभास नहीं हुआ, लेकिन जैसे उसकी आँख लगी किसी जानवर की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस समय आग बुझ भी चुकी थी। रेगिस्तान के खूंखार डाक की आवाज़ सुनकर वह जाग गया, डरने लगा। जानवरों से बचने के लिए माइक लगातार गोलियों से फायर किया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से एक भी निशाना सही से नहीं लग रहा था। पर उसके पास एक टॉर्च भी था जिसकी हेल्प से वह एक एक करके सारे जानवरों को देखने लगा। इसी के साथ उन्हें शूट भी किया। उसी दौरान एक जानवर माइन के ऊपर कूद पड़ा, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके को सुनते ही बाकी जानवर वहाँ से भाग गए। रात बहुत ही मुश्किल से गुजरा। सुबह हुआ। सुबह उसने दोबारा से उस गांव वाले शख्स को देखा जिससे कल मुलाकात हुई थी। गांव वाला शख्स माइक को इस बार सही सलामत देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था माइक बिना हिले डुले रेगिस्तान में खूंखार जानवरों के बीच बचा हुआ है। यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह कल जो माइक से कह रहा था आज भी वही कहने लगा, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन माइक उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था, पर इस बार वह माइक की मदद करता है। उसके कहने पर दूर पड़ा रेडियो लाकर उसे दे दिया। धीरे धीरे वक्त के बीतने के साथ माइक को हेलुसिनेशन होने लगा। उसे ऐसी ऐसी चीजें दिखाई पड़ रही थी जो उस वक्त मौजूद थी ही नहीं। वह देखता है कि उसका साथी जो धमाके में मारा गया था वह उठ खड़ा हुआ है। माइक से कहने लगा, तुम अभी तक यहीं खड़े हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हारी फैमिली इंतजार कर रही है। इस बुरे वक्त में माइक को अपने पास्ट की सारी गलतियाँ याद आने लगी जो कुछ भी उससे अनजाने में हुई थी, जिनमें से पहला था कि वो अपने वाइफ के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया था। जब उसकी वाइफ को उसकी जरूरत थी तब उसे छोड़कर यहाँ मिशन पर चला आया। इन्हीं सारी चीजों को याद करते करते दूसरा दिन भी खत्म हो गया। रात होने को आई। दूसरी रात भी उसका सामना खतरनाक खूंखार रेगिस्तान डॉग से हुआ, जो पिछली रात उन्हें मारना चाहते थे आज वे दोबारा से उन पर अटैक कर दिए। उनके हमले के बीच माइक बुरी तरह से फंस चुका था। काफी लंबे समय तक दोनों आपस में उलझे रहे। अंत में माइक के हौसले ने उन जानवरों को मारने में कामयाब हुआ। दूसरी रात भी गुजर गया। सुबह हुआ। वह हर पल अपनी घड़ी को देखता रहता था इसी उम्मीद में किसी तरह से 52 घंटे गुजर जाए। इस बार जब उसने अपने घड़ी को देखा तो पता चला अभी 7 घंटे बाकी हैं उसकी टीम के आने का। इसका मतलब था इस रेगिस्तान में फंसे हुए 45 घंटे हो चुके थे। इन 2 दिनों में उसकी सिचुएशन बिल्कुल खराब हो चुकी थी। उसके शरीर पर बहुत सारे जख्म बन चुके थे जानवरों के हमला करने से। अगले 15 मिनट बाद उसे रेडियो पर अपने साथियों का कॉल आया। उसे बताया गया जो टीम उसे बचाने के लिए आ रही थी वह थोड़ा लेट हो गई है, उन्हें आने में 10 घंटे का और समय लगेगा, यानी अब उसे पूरे 17 घंटे आने का इंतजार करना होगा। अब तक माइक के फैमिली वालों को भी पता चल चुका था उसके बारे में। रेडियो के बंद होने से पहले उसकी वाइफ की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह अपनी वाइफ से माफ़ी मांगने लगा कि मुझे तुम्हारी बातें माननी चाहिए थे, मुझे रुक जाना चाहिए था, मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी, तुम्हारे इस बात को इनकार किया। इसके बाद उसे दोबारा से हेलुसिनेशन होने लगा। उसे अपनी फैमिली हर जगह दिखाई देने लगी थी। उसके बॉडी में इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि अब वो और ज्यादा समय तक बैठा रह सके। अचानक से वह सामने की तरफ गिरने लगा, पर उसका पैर माइन के ऊपर से हटता इससे पहले बिलेजर्स आकर उसे पकड़ लिया। वह अपने बारे में बताने लगा, एक बार उसका भी पैर माइन के ऊपर पड़ गया था जिस कारण उसका पैर उसके शरीर से अलग हो गया। उसने सोचा उसका भी जीवन खत्म हो चुका है, पर आगे चलकर उसे एहसास हुआ उसने गलत सोचा था। हमें इस तरह नहीं रुकना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। वह यहाँ आता है, माइन को रेस से बाहर निकालता है, जिनकी जगह एक टीन का डिब्बा रख देता है, जिन्हें ले जाकर बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता है। ये बात सिपाहियों को पता न चले इसलिए उस माइन की जगह पर एक टीन का डिब्बा रख देता है। इसी दौरान उसे एक और बात पता चला, वह जो उसकी बेटी आई थी उसका भी पैर गलती से माइन के ऊपर पड़ गया था, वह मारी गई। जिसे वह इतने समय से देख रहा था यह उसका भ्रम था। इस तरह वह आखिरी बार यह कहकर चला जाता है कि तुम्हें रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए।
गांव वाले के जाते ही उसे दोबारा से उसकी बेटी दिखाई पड़ी जो अगले ही पल गायब हो गई। उसके जाने के बाद उसे दोबारा से भ्रम होने लगा। उसका भ्रम अगले पल टूटा जब उसे एक गोली लगी। दरअसल वह जिन लोगों को मारने के लिए आया था वे लोग उसे ढूंढते हुए पहुंच चुके थे वहां। वे लोग लगातार उस पर फायरिंग करने लगे। माइक ने भी हिम्मत से उनका सामना किया। वह भी उनके हमले का जवाब देते हुए एक एक आदमी को शूट करने लगा। कई सारे लोग माइक के गोलियों का शिकार हुए। वह एक एक करके सभी लोगों को खत्म कर दिया। बचा था सिर्फ एक आखिरी, जो कोई और नहीं बल्कि थे उसके पिताजी। दरअसल अभी भी जो कुछ भी उसके साथ हुआ, उसे जो गोली लगी, ये सब भी उसका भ्रम था। इसी दौरान उसे एहसास हुआ शायद उसकी टीम उसे बचाने के लिए आ रही है उसी की तरफ। लेकिन उन्हें इस रेगिस्तान के बीच उसका लोकेशन बताना मुश्किल था। अगर उसे लोकेशन बताना है तो कुछ भी करके फ्लेयर गन को चलाना होगा जो उसके कुछ ही दूरी पर पड़ा था जमीन पर। अगर उसे जान बचाना है तो अपना कदम आगे बढ़ाना ही होगा। इस बार भी उसे उस गांव वाले की कही हुई बात याद आई। उसे रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। इसलिए वो अपना कदम आगे बढ़ा दिया। पर माइंस में कोई भी ब्लास्ट नहीं हुआ। यह देखकर वह बहुत ही हैरान हो गया। जब रेत को हटाकर माइन को बाहर निकाला तो पता चला वहाँ कोई माइन है ही नहीं, वह था टीन का डिब्बा। यह देखकर वह बहुत ही निराश हुआ। वह पूरे 62 घंटे बिना हिले डुले खड़ा था। इस हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कुछ ही दिनों में वह वापस अपने देश लौट आया, जहाँ वह अपने फैमिली से मिला, जहाँ उसे अपने लोगों के इम्पोर्टेंस का पता चला। तो यह थी स्टोरी माइन की। थैंक यू।